SBS News, सच का साथी। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित दारुशिफा में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल कुशवाहा ने कहा, हमारा 14% समाज यूपी में है। आबादी के अनुसार कर्मचारी अधिकारी की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। शक्ति का प्रदर्शन करके हर दल से अपने समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलवा करके उनको जिता करके हम लोग संसद में बोलने का काम, यानी कि लोकसभा 2019 का चुनाव भी लड़वाएंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जो समाज को ज्यादा से ज्यादा महत्व देगा, हम उसके साथ रहेंगे और समाज के लोग जान पर चुनाव लड़ेंगे उनको हम लोग ज्यादा से ज्यादा जिताने का प्रयास। कुशवाहा महासभा जो है, आपका सरकार से क्या चाहिए? देखिए, हम लोग किसान लोग किसानों के हित की बात चाहते हैं। आज तक केवल भाषण में ही जो सरकार है, चाहे केंद्र है प्रदेश में है, इन लोगों ने केवल भाषणबाजी में ही किसानों को सब कुछ दे दिया है, लेकिन आज तक उनके किसानों के उत्पादन का सही मूल्य आज तक नहीं मिल सका। इसलिए हम लोग चाहते हैं किसानों की लड़ाई लड़ते हुए किसानों के हित के लिए उनके उत्पादन का सही मूल्य मिले और उन लोगों को पूरा उसका लाभ मिले। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कई व्यवस्थाएं की है, केवल कागजों में की है, ये केवल नेताओं के जबान पर है लेकिन धरती पर कुछ भी नहीं। जैसे MSP भी लाई और अन्य चीजें भी लाई, उससे क्या किसानों को कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ है, केवल अभी तक सरकारी कागजों में ही सब कुछ है, केवल नेताओं की घोषणाएं हैं, जमीन पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। प्रदेश सरकार किसान बीमा की बात करती है, जो कर्जा माफ करने की बात करती है, देखिए कर्जा माफ करती है, किसी का 1.5 रुपया माफ हुआ, किसी का 2 रुपया माफ हुआ, 500 रुपया हुआ, 1000 रुपया हुआ, लेकिन जो कहे थे 1 लाख रुपया करके सभी ऋण माफ किए जाएंगे ऐसा अभी तक हुआ। जैसा कि आपकी मांग है कुशवाहा महासभा का, एक सांसद आपको चाहिए? एक सांसद नहीं, हमारी आबादी देश में 15% के लगभग है, 15% सांसद चाहिए, और पूरे देश से। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आज बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी सबसे बड़ी आबादी है, 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे समाज की आबादी है जो विभिन्न नामों से जानी जाती है, मरार के नाम से जानी जाती है। जब सारे लोगों को जोड़ दिया जाए तो 15% से ज्यादा हमारी आबादी है, उस आबादी के अनुसार हम सत्ता शासन में भागीदारी चाहते हैं। और जब तक इस लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब तक जिसकी भागीदारी जितनी ज्यादा होती है सत्ता शासन में, उसी की बात सुनी जाती है और किसी की बात नहीं सुनी जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा जुट करके जाएं और अपना हक लेने की बात करें, सदन में भी करें और बाहर भी करें। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, जैसा कि आपके संरक्षक ने कहा, बात से कितना सहमत है और किस तरह से कुशवाहा महासभा काम करेंगे? पूरी बात से हम लोग सहमत है और उनके आदर्श में उनकी बातों पर चलेंगे और कुशवाहा महासभा का जो संविधान है उसके तहत हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। उस तरह से हम लोग पूरा संगठन के पूरे देश में हमारा संगठन है। 14% की आबादी अभी उसी तरह से पूरे देश में, चाहे वह बिहार हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हुआ, चाहे झारखंड हो, चाहे किसी भी स्तर में, अगर चाहे वह अभी चुनाव रहे तो राजस्थान में, वहाँ भी हमारी संख्या उतनी ही गई है, चाहे वह महाराष्ट्र ले ले, चाहे किसी भी। ये बताइए, आज कितने जिलों से लोग आए हुए हैं कुशवाहा? अभी तो हमारे कुछ ही जिलों का जो यहाँ पे जो 70 जिलों से लोग आए हैं, जिनमें से उन लोग को बुलाया गया जो आज भी लोग चुने हुए पदाधिकारी हैं, उन लोगों को बुलाया गया, क्योंकि एक कार्यकारिणी को उनके घोषित करना है, संगठन का गठन करना है, इसलिए उनको बुलाया गया। बाकी लोगों को आम जनता को नहीं, केवल पदाधिकारी, नए पदाधिकारी भी जोड़े गए, नए पदाधिकारी को बनाने के लिए ही आज विशिष्ट इतिहास की मीटिंग का बुलाया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में गठन का इकाई, और यहाँ संरक्षक जी नहीं है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नए अध्यक्ष के